अब बना है तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि डेड पेडल हो, बट एक्चुअली है नहीं। इंटीरियर्स में ये आपको बिल्कुल नेक्सॉन जैसी ही लगेगी। अब इसके अंदर है ना एक नया इंजन जरूर आया, 1.2 TGDI इंजन। दोस्तों अब यहाँ पर भी जो है ना मेरे ब्रश हो रहे हैं सेकंड रो में, ये देखो मतलब बाल बहुत ज्यादा ब्रश हो रहे हैं। 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है। मेरे साथ में टाटा कर्व, और ये कर्व जो है वो पेट्रोल वर्जन में अभी मेरे साथ खड़ी है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। आज इसका डिटेल में वॉक अराउंड करेंगे, ऑल्दो मैंने आपके साथ में एक वॉक अराउंड शेयर कर चुका है, लेकिन इस बार इन डेप्थ करेंगे, यानी ये जानेंगे कितना स्पेस ये ऑफर कर रही है, क्या फीचर्स हैं, एंड एक्चुअली में ये एक अच्छी राइवलरी बनती भी है क्रेटा या सेल्टॉस जैसे प्रोडक्ट के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में। अब देखो फ्रंट से ये बहुत हद तक आपको नेक्सॉन जैसी लगेगी, तो जो डिजाइन लैंग्वेज यहाँ फ्रंट से इस्तेमाल की है वही नेक्सॉन के अंदर एंड कर्व के अंदर सेम है। इनफैक्ट नेक्सॉन के साथ साथ पंच ईवी में भी कुछ इसी तरीके की डिजाइन फिलॉसफी है, जिसमें कनेक्टिंग DRL के साथ में ये ट्यूबलाइट लाइट्स लगाई गई हैं। तो यहाँ से स्प्लिट कर दिए इनको, और यहाँ पर जो है वो मेन हेडलाइट यूनिट है, इसी में फॉग लैंप भी माउंटेड है, इसी के अंदर हेडलाइट यूनिट भी माउंटेड है, जो हाई बीम एंड लो बीम दोनों को सपोर्ट करती है विद LEDs। बट यहाँ पर जो ये दो लैंप देख रहे हैं, इनमें से एक कॉर्नरिंग लैंप का फंक्शन करता है एंड एक फॉग लैंप यूनिट का काम करता है। तो जब भी आप स्टेयरिंग को घुमाओगे इधर से उधर, अगर आपको नहीं पता आपको अचानक से घट लेना है, तो ये डेफिनेट आपको असिस्ट करेंगी रात में भी। जबकि यहां पर लगी हुई ये बायफंक्शनल LED DRLs आगे ट्यूबलाइट में कन्वर्ट होती हुई जाती हैं एंड यहां तक इनका जो फ्लो होता है। ये बायफंक्शनल इसलिए क्योंकि ये DRL के साथ-साथ टर्न इंडिकेटर का भी काम करती हैं। और ये जो नया पैटर्न है आप यहां पर देख रहे हो, ये ट्रीटमेंट जो अलग से क्रोम की फिनिशिंग इसमें दी गई है, ये बिल्कुल अलग डिफरेंशिएट कर देती है एंड बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अंदर भी ग्रूव्स हैं, 360 डिग्री कैमरा इधर ही दिया गया है एंड यहाँ पर भी आपके पास में पैटर्न दिए गए हैं विद दो सेंसर्स। यहाँ पर जो है वो फ्रंट असिस्टेंस के लिए दो काफी नहीं, मुझे लगता है 4 होने चाहिए थे। इधर से भी अगर आप देखोगे तो आपके पास में ये कर्व्स हैं, ग्रूव्स हैं, जिनको हम लोग कैरेक्टर लाइंस भी कहते हैं, और नेक्सॉन के ऊपर भी सेम बोनेट का इस्तेमाल किया गया है, तो तभी कहते हैं कि फ्रंट से ये बिल्कुल नेक्सॉन है। इनफैक्ट साइड से भी ये काफी हद तक नेक्सॉन है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ तक आते हैं यानी कि थर्ड पैनल तक आते हैं, तो आपको रियलाइज होगा इट्स वेरी सिमिलर टू नेक्सॉन, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप नेक्सॉन में फिलहाल देखते हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग जो है वो शोल्डर लाइंस पे क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। इनफैक्ट ये जो ORBM है सेम है जो पंच ईवी में इस्तेमाल किए गए हैं, जो नेक्सॉन के अंदर आते हैं, जो सफारी हैरियर के अंदर आते हैं, दीज आर द सेम ORBMs एंड टर्न इंडिकेटर के साथ में 360 डिग्री कैमरा भी यहीं पर ऑफर कर दिया गया है। नीचे हालांकि अब जो है वो पियानो फिनिशिंग आ गई है, इसके ऊपर स्क्रैचेस जल्दी इंट्रोड्यूस होंगे क्योंकि जब आप हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो ना तो वो स्क्रैचेस को जल्दी नहीं लगने देते हैं। बट यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड पेंट क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है जिसको हम पियानो फिनिशिंग कहते हैं, तो उसके ऊपर जल्दी से निशान तो ज़रूर आने वाले हैं। और साथ ही अगर आप ये व्हील आर्च देखोगे, इसके ऊपर भी प्लास्टिक की क्लैडिंग है जो 360 डिग्री चारों तरफ घूमता है इस गाड़ी के, और यहाँ पर ये 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स आर फिनोमिनल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एस्पेक्ट रेशियो को कम किया गया, 55% एस्पेक्ट रेशियो है, 215 सेक्शन के टायर्स हैं जो एक्चुअली कॉम्पैक्ट SUV में चलते भी हैं। 215 जो है वो आपने नेक्सॉन के अंदर भी देखे हैं एंड अब फाइनली इसके अंदर भी हैं, बट यहाँ पर 18 इंचर्स हैं। ये अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मैकफर्सन स्ट्रट्स का एज सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, वेंटिलेटेड डिस्क का इस्तेमाल किया गया है एंड यहाँ पर भी एक एयर कर्टन दिया गया है ताकि ईजिली यहाँ पे रबर पे आने वाला जो फ्रिक्शन है वो जल्दी इंट्रोड्यूस ना हो। दोस्तों अगर आप भी टाटा कर्व प्लान कर रहे हो या फॉर दैट केस कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हो, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। दिल्ली NCR या 200 किलोमीटर के अंदर अंदर से आप किसी भी गाड़ी को हमारे थ्रू, हमारे डीलर नेटवर्क के थ्रू जो है वो परचेज कर सकते हो। गारंटीड क्या है, बेस्ट प्राइसेस एंड क्विकेस्ट डिलीवरी, ये दो चीज़ें गारंटीड है। इसके साथ साथ अगर आप ऑल अक्रॉस इंडिया कन्फ्यूज्ड हो और एक कॉल बुक करना चाहते हो अपनी नई परचेज को लेके, कन्फ्यूज्ड हो कि कौन सी गाड़ी मैं खरीदूं, तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। एक अपॉइंटमेंट बस हमारे साथ में बुक कीजिए एज अफोर्डेबल एज 399 रुपीज में एंड हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो इन दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, व्हाट्सएप लिंक जो है वो हमारी कार कंसल्टेशन दैट मीन्स अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, एंड जो पहला लिंक है वो फॉर्म का है, वहाँ पे जाके फॉर्म भरिए नई गाड़ी अगर परचेज कर रहे हो तो। स्ट्रेट टू वीडियो अगेन। 4310 mm ये लंबी है, यानी कि इस एंड से इस एंड तक की जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, जबकि व्हील बेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2560 mm। इस व्हील के सेंटर से लेके इस व्हील के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो ज़रूर यहाँ पे 2560 mm है एंड ग्राउंड क्लियरेंस इज 208 mm।
जो कि अच्छी है, नेक्सॉन से थोड़ी सी कम है, बट ऑब्वियसली एट द एंड ये कूपे डिजाइन फिलोसफी के ऊपर भी बेस्ड है। तो लेंथ जब थोड़ी सी बढ़ती है तो ग्राउंड क्लियरेंस हल्की सी कम भी हो जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉर्शन बीम का इस्तेमाल किया गया है, वही रेगुलर सस्पेंशन जो अक्सर हम इस सेगमेंट की गाड़ियों में देखते हैं, या तकरीबन 20 लाख से नीचे नीचे की गाड़ियों में ये सस्पेंशन जनरली आप देखते हो। फ्लश डोर हैंडल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो थोड़ा सा असिस्टेंट ज़रूर लगता है आपको, लेकिन उसके बाद में पॉपअप हो जाते हैं। और यहाँ पर एक एलईडी का इस्तेमाल भी किया गया है। अब ये जो फ्लश डोर हैंडल्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं असिस्ट हो पाते हैं, दैट मीन्स कि जब आप अनलॉक करोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आते। तो एक्सयूवी 7W में क्या है कि आप अनलॉक करोगे तो बाहर ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाते हैं, जो टाटा कर्व के अंदर नहीं ऑफर किया गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो पैनोरामिक सनरूफ है, इसको भी थोड़ा कर्वी डिज़ाइन दिया गया है, तो यहाँ से ना समझ में आता है कि ये एक पॉइंट तक जाती है, उसके बाद नीचे डिसेंड होने लग जाती है। शार्क फिन एंटीना इधर ही माउंटेड है। ये पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से जरूर हेडलाइन जो है वो, जरूर हेडरूम जो है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि जो रूफ लाइन है वो कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा होने लगती है। तो अंदर जाके चेक जरूर करेंगे कि इसका हेडरूम कितना है, बट फिलहाल तो ये पैनोरामिक सनरूफ काफ़ी कमाल की लगती है। डोंट लीन आउट ऑफ दिस सनरूफ ऑन अ मूविंग कार, ये हमेशा से पर्सनल सजेशन रहती है हम सभी ऑटो जर्नलिस्ट की। तो दोस्तों रियर से भी ये काफ़ी हद तक आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि कम्प्लीटली नया डिज़ाइन है, कम्प्लीटली नए एस्पेक्ट्स हैं, कम्प्लीटली नए एलिमेंट्स एड ऑन किए गए हैं। पास आगे दिखाऊं तो आपको रियलाइज होगा ये जो टेल लाइट यूनिट है इसको भी स्प्लिट किया गया है ऑन द टेल गेट एज वेल एज ऑन द थर्ड क्वार्टर, तो यहाँ से ये फ्लोट होते हुए आगे तक जाती है, अच्छी लगती है। टाटा का एम्बलम बिल्कुल बीच में एंड 360 डिग्री को सपोर्ट करने वाली ये कैमरा इधर भी दिया गया है। यहाँ पर मिड माउंटेड स्टॉप लैंप्स ऑफर किए गए हैं, उसको ऊपर नहीं रखा गया है। सैडली यहाँ पे कोई भी वाइपर नहीं है, बिकॉज एज पर टाटा ये काफ़ी इंक्लाइंड है एंड इसको यहाँ पर जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। इस हिसाब से अगर देखा जाए जो बॉक्सी डिज़ाइंस होती हैं उनमें तो और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो और भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल को यहाँ पर जो है वो अट्रैक्ट करती है, तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगने की वजह से जल्दी स्वीप होना चाहिए। यहाँ पर छोटा सा स्पॉयलर दिया गया, बट ये एलिमेंट ज़रूर कहूँगा, इसको स्पॉयलर कहना तो ज़रूरी नहीं समझता हूँ, ये बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, इसको स्पॉयलर कंसिडर नहीं किया जा सकता। बम्पर भी अगर आप देखोगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में दो पार्किंग सेंसर्स, क्यों भाई टाटा वाई सो कॉस्ट कटिंग। यहाँ पर डिफ्यूजर, फेक डिफ्यूजर का भी इस्तेमाल किया है। जस्ट लुक एट दिस बूट, 500 लीटर का बूट है ये, और ये जो बूट है बहुत बड़ा बूट है, क्योंकि हैरियर सफारी जितना भी बूट नहीं आता, उससे भी ज़्यादा बूट यहाँ पर टाटा ने इसके अंदर ऑफर किया गया। आपके व्यू के लिए थोड़ा सा ये प्लास्टिक को पीछे रखते हैं, और ये देखिए ये वो है, हल्का सा लोडिंग लिप जरूर है, सामान और ज़्यादा आ जाएगा, लोडिंग लिप होने की वजह से सामान जो है वो इधर उधर मूव भी नहीं कर पाता, तो वो चीज़ का भी एडवांटेज यहाँ रहेगा। 60-40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स हैं, और जब ये 40 वाली स्पीड अगर आप स्प्लिट कर देते हो तो तकरीबन 680 के आसपास जो है वो बूट इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है वो आपके पास में सॉफ्ट टच मटेरियल है, बाकी तो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, एंड ये हैं वो टॉगल स्विचेस जो विंडो के कंट्रोल्स का काम करते हैं। पियानो फिनिशिंग इधर भी है, यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर है, लेकिन कोई अम्ब्रेला नहीं है, बट बहुत ही छोटी सी अम्ब्रेला ही आ सकती है इसमें, तो अगर आपने बड़ी अम्ब्रेला खरीदे तो वो तो यहाँ पर नहीं आने वाली। यहाँ अगर आप देखो तो बॉटल होल्डर वगैरह, मैगजीन होल्डर, JBL के स्पीकर सेट है 9 इन टोटल, 4+4, 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर एंड एक सब वूफर यहाँ दिया गया है, तो काफ़ी सही है। यहाँ पर ना आपके पास में इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स है, बट ये जो बटन दिया गया है ना ये वेंटिलेटेड सीट के जनरली दिखाई नहीं देता, तो एर्गोनॉमिक वाइज दिस इज़ नॉट गुड। बाकी तो ये 6 पे एडजस्ट हो जाती हैं सीट्स, और वेंटिलेटेड सीट्स हैं, केवल वेंटिलेशन जो है वो कूल्ड वे है, हीटेड जो है वो नहीं है, दैट मीन्स कि सर्दियों में ज़रूर परेशानी होगी। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये स्टेयरिंग है इल्यूमिनेटेड, और ये बिल्कुल हैरियर और सफारी वाला स्टेयरिंग व्हील यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बाकी नॉब्स वगैरह इसके अंदर हैं जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के साथ में आते हैं। 4 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है विद फ्लैट बॉटम एंड सैटिन फिनिश जस्ट यहीं पर दिया गया है। ये मैनुअल वर्जन है, बट इसके अंदर कोई भी डेड पेडल नहीं ऑफर किया गया है, सो दैट इज अ सैड पार्ट। अब बना है तो ऐसा है जैसे लग रहा है कि डेड पेडल हो, बट एक्चुअली है नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेड पेडल ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अब इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ना ये देखिए ये वाला जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये फिनिश जो है वो अच्छा लगता है, हालांकि ये सॉफ्ट टच नहीं है, ये लेदरेट टच है, इसके ऊपर सॉफ्ट मटेरियल नहीं है, ये प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी सैटिन फिनिश है। इंटीरियर्स में ये आपको बिल्कुल नेक्सॉन जैसी ही लगेगी, कंप्लीट नेक्सॉन ही है ये, बस इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को छोड़कर अगर ये हटा दिया जाए
तो ये नेक्सॉन ही है, ये 12.3 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बहुत सारे कंट्रोल्स इसके अंदर आते हैं, आप चाहो तो एचवीएसी यूनिट को भी इसी से एक्सेस कर लो, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप ले तो आती है, अलग अलग यहाँ पर जो है वो म्यूजिक के मोड्स आते हैं, स्टीरियो मोड या फिर आप किसी रॉक म्यूजिक कंसर्ट में जाना चाहते हो तो उस तरीके के मोड्स अलग अलग हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी गियर लीवर कुछ इसी तरीके का दिया गया है, इस पर भी जो है वो 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के तौर पे ये ऑफर किया गया रिवर्स मोड के साथ में। इधर 3 मोड्स हैं, ये ड्राइव मोड्स हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड, कोई भी टेरेन मोड नहीं आता है जिसमें से मड मोड, वेट मोड या कुछ इस तरीके के मोड हो। इलेक्ट्रिक पावर पार्किंग ब्रेक ऑफर किया गया ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में, बट देर आर नो कप होल्डर्स एज ऑफ नाउ, यहाँ पर जो है कोई भी कप होल्डर नहीं है। लोअर वेरिएंट जब आप खरीदोगे तो कप होल्डर जरूर आ जाएंगे क्योंकि वहाँ से वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन हट जाएगा। थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केबल्स वेबल्स लगाने में आपको हल्की सी समस्या आ सकती है। 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई है एंड जस्ट लुक एट दिस पैनल, ये है वो पियानो फिनिशिंग के साथ में आने वाला कैपेसिटिव टच के साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अब अक्सर क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे हमेशा ध्यान देना होगा यहाँ से अलग अलग कंट्रोल्स को एक्सेस करने के लिए, तो डिस्ट्रैक्शन का तो पॉइंट बनता ही है। इसके साथ में एर्गोनॉमिक्स को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, बाकी तो ये लोअर की स्पीड एंड यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए स्विचेस आपके पास में नॉब्स जो हैं दिए गए हैं, हैजार्ड लैंप एक्सेस करने के लिए भी आपके पास में एक बटन है एंड वो फिजिकल बटन नहीं है ऑब्वियसली, वो एक कैपेसिटिव टच के साथ में आने वाला बटन दिया गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स है, ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है एंड यहाँ पर 2 आपके पास में बॉटल होल्डर्स ऑफर किए गए हैं। अब ये चलती गाड़ी में तो आप यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाओगे, रख नहीं पाओगे, बट जब गाड़ी स्टैटिक रहेगी तब ज़रूर आपके पास में यहाँ पर सामान रखने के लिए या कैन वगैरह रखने के लिए जगह है। पेन होल्डर, कार्ड होल्डर और ये जगह जो यहाँ पर दी गई है, ये ट्रे जो है वो यहाँ से हट जाती है, रिमूवेबल है ये ट्रे और आप चाहो तो वापस इसको फिट कर सकते हो, और बाकी तो बहुत बड़ा है ये और उससे कोई परेशानी नहीं है, स्टोरेज स्पेस एक्चुअली में ज़्यादा है। IRVM जो है वो आपको ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में दिया गया, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। गाइस इस तरफ भी जो है वो बटन्स दिए गए हैं, अब ये ऑब्वियसली डोर से रिलेटेड या फिर मैं कहूँ कि लाइट से रिलेटेड बटन्स हैं। इधर जो है वो सनरूफ का बटन भी ऑफर किया गया है, SOS का बटन, इमरजेंसी कॉल, ये तमाम चीज़ें यहीं पर दिए गई हैं। सनरूफ का बटन सिंगल बटन है, दैट मीन्स कि क्लोज के लिए भी, ओपन के लिए भी, और अगर आपको थोड़ा ऊपर उसको मूव करना है उसके लिए भी जो है वो सेम बटन है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सनवाइजर है, इसके अंदर कोई भी लाइट नहीं है, दैट इज सैड पार्ट। अब यहाँ पर भी जो है ना मेरे ब्रश हो रहे हैं सेकंड रो में, ये देखो मतलब बाल बहुत ज़्यादा ब्रश हो रहे हैं, 5'10" मेरी हाइट है, उस लिहाज से थोड़ा सा मतलब लगता है कि हेडरूम कम है। यहाँ पर हेडरूम अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो बेहतरीन प्रोडक्ट होता है। सेकंड रूम में स्पेस के मामले में भी ये लेग रूम ठीक है, बहुत ज़्यादा नी रूम या बहुत ज़्यादा लेग रूम नहीं है। इट्स नॉट लाइक क्रेटा, क्रेटा के अंदर या सेल्टॉस के अंदर ज़्यादा लेग रूम एंड नी रूम ऑफर होता है, बट अंडर थाई सपोर्ट इज एक्चुअली गुड, उसमें कोई शिकायत है नहीं। इट इज़ हैविंग गुड शोल्डर रूम, वैसे 3 लोगों के लिए कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बट 3 लोगों के हिसाब से जो है वो हेडरेस्ट नहीं दिए गए हैं। कैसे, यहाँ अगर आप देखोगे तो तीसरे इंसान के लिए हेडरेस्ट है ही नहीं, कम्प्लीटली इग्नोर कर दिए गए हैं, ना फिक्स्ड है और ना एडजस्टेबल है। यहाँ पर ज़रूर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो ऑफर किए गए हैं इस तरफ और इस तरफ भी, बट ये भी आपके पास में वाले नहीं है जैसे आपको सफारी हैरियर के अंदर ऑफर किए जाते हैं, तो उनको लेके भी थोड़ा सा इशू है। अब यहाँ पर ना आप देखोगे तो लाइट दी गई है और ये इंडिविजुअल लाइट्स हैं, तो इनके बटन्स के अंदर भी कंसिस्टेंसी नहीं है, क्वालिटी इशू थोड़ा सा परसिस्ट करता है। यहाँ पर कोट हुक नहीं दिया गया है, कोट हुक को यहाँ से डिस्प्लेस करके बी पिलर के ऊपर रखा गया है एंड सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको ऑफर किया गया है, तो दिस इज गुड। यहाँ पर अगर आप एसी के बारे में बात करें तो आपके पास में छोटे से एसी वेंट दिए गए हैं, बहुत बड़े नहीं है, इनके नॉब को कंट्रोल कर सकते हैं इधर ब्लोअर स्पीड को, और प्लास्टिक क्वालिटी या फिर मैं कहूँ जो इनका फंक्शनिंग है बहुत हार्ड है टू यूज़, टाइप एंड यूएसबी सी टाइप दोनों टाइप जो है वो स्लॉट्स आपको इधर ही ऑफर किए गए हैं। अब यहाँ पर भी जो है वो कोई मैगजीन होल्डर या कोई स्कफ एसच जो है वो प्लेस नहीं किया गया है, तो ये एक इशू ज़रूर है, और यहाँ पर सामान नहीं रख सकते, इस वजह से जो है वो आप ना फ़ोन रख पाओगे, ना वॉलेट रख पाओगे, ना चिल्लर रख पाओगे, कुछ भी चीज़ इधर जो है वो नहीं रख पाओगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो आपके पास में आर्मरेस्ट है, यहाँ पर भी फिनिशिंग की थोड़ा सा इशू ज़रूर है, 2 कैन होल्डर्स आपको इधर ही देखने को नजर आएंगे एंड ये जो दोनों कैन होल्डर्स हैं उनके लिए ग्रिप एक्स्ट्रा दी गई है ताकि वो वहीं के वहीं स्टैटिक रहे, तो ये देखो इसके अंदर भी मूवमेंट है, कोई पर्टिकुलर डेड एंड नहीं है। यहाँ पे बाकी तमाम चीज़ें जो है वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपको किसी भी इस सेगमेंट की हमें आने वाली गाड़ियों में
मिलती हैं, तो वो तमाम चीज़ें यहीं पे, जैसे कि बॉटल होल्डर हो गए, यहाँ पे छोटे मोटे कॉइन होल्डर वगैरह हैं, ट्विटर के लिए स्पेस है, ये तमाम चीज़ें इधर ही देखने को नज़र आती हैं। ठीक है, उन मामले में चला एकदम सीन। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरीके का हाइड्रोलिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये काफ़ी वेटेड है, इंसुलेशन है यहाँ पर, और ये वही 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है जो आपने टाटा नेक्सॉन के अंदर देखा है। अब इसके अंदर है ना एक नया इंजन ज़रूर आया, 1.2 TGDI इंजन, वो 125 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा टॉकी भी है, एंड उसके साथ में देखते हैं कि ये DSA किस तरीके से, इसकी केमिस्ट्री इस इंजन के साथ में किस तरीके से जाती है, क्योंकि हमने अभी तक रेवोट्रॉन ही चलाया और वही जो है वो एग्जिस्टिंग है, कम से कम 8 साल हो चुके हैं। 2016 में आई थी नेक्सॉन, उसके बाद से कंसिस्टेंटली नेक्सॉन के अंदर आती है, अब कर्व के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। तो देखते हैं कि वो नया इंजन जो पेट्रोल इंजन है वो कैसा चलेगा, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी अगर उस इंजन की टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू हमारे चैनल पे जरूर आपको मिलने वाली है। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो आई होगी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, अपने इनपुट्स देखना। अब जरूर ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके वेरियंट्स के बारे में। अब देखो, बहुत सारे वेरियंट्स हैं, 4 मेजर वेरियंट्स हैं, आप जानते हैं। ये छोटे वेरियंट्स से जो है वो स्टार्ट होती है, प्योर आता है, प्योर प्लस आता है, प्योर प्लस एस आता है वो ड्रेजर से, और फिर उसके बाद में एक वेरिएंट आता है, फिर अकॉम्प्लिश आता है, मतलब 4 वेरिएंट हैं एंड सब क्लासिफिकेशन उनके हैं। ये 17.5 लाख रुपए एक शोरूम जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ये जा रहे हैं, जबकि 9.99 लाख रुपीज से स्टार्ट हो रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, अक्टूबर तक अगर आप नई गाड़ी खरीदते हो 31 अक्टूबर तक, तो ये प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपए प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लर्निंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, लाइफ सेफ गाइस। No, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna